आम पापड़ तो अक्सर ही आप बाजार से खरीद कर खाते हैं, लेकिन अब आ गया है आम का सीजन, तो फिर बाहर से क्यों खरीदना। बस मैंगो की प्यूरी बनाइए, पकाइए और इसे सुखा दीजिए और बन जाएगा बिल्कुल बाजार जैसा टेस्टी आम पापड़। तो चलिए इसकी रेसिपी को चुटकी में बनाते हैं। मैं आपके लिए हमेशा नई नई रेसिपीज लेकर आती हूँ और अगर आप मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले हम मैंगो प्यूरी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो आम लिया है और इसके हम छिलके को उतार कर इसे रफली चॉप कर लेंगे। यहाँ पर मैंने आम को पहले ही धो लिया था, तो सभी के छिलके उतार लिए हैं और अब इसे हम रफली काट लेते हैं। आप इसको छोटे बड़े पीसेस में काट सकते हैं। तो सभी आम को कट करने के बाद अब इसे हम डालते हैं जार में और बगैर पानी डाले हुए हम इसका प्यूरी बनाएंगे। यहाँ पे पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। तो कुक करने के लिए मैंगो प्यूरी को डालते हैं पैन में और साथ ही में इसमें हम डालेंगे चीनी। तो लगभग 3/4 कप चीनी डाल रहे हैं। चीनी की मात्रा डिपेंड करती है आम के स्वीटनेस पर भी। और इसे हम मीडियम लो फ्लेम पर रखकर कंटिन्यूस चलाते हुए 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो मिक्सर को पकाते हुए कुक कर लिया है और ये देखिए थोड़ा सा थिक हो गया है और चीनी भी गल गई है। तो इसी समय इसमें हम डालते हैं नींबू का रस और साथ ही में आप यहाँ पे चाहें तो थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हैं। और नींबू का रस डालकर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए और कुक करते हैं जब तक कि मिक्सर थोड़ा सा और थिक ना हो जाए। बाजार में कई तरीके के आम मिलते हैं। कुछ आम के पल्प का कलर येलो कलर का होता है, कुछ के ऑरेंज कलर का होता है। तो आम पापड़ का कलर आम के पल्प के कलर के ऊपर डिपेंड करता है। तो 4 से 5 मिनट हो गया है कुक करते हुए और ये देखिए जो मिक्सचर है वो बिल्कुल थिक हो गया है। इसी तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए, बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए, बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, ये परफेक्ट है। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे कुक नहीं करेंगे। तो कुक किए हुए आम के मिक्सचर को स्प्रेड करने के लिए मैंने यहाँ पे ये थाली ली है और इसे हम घी से ग्रीस कर लेते हैं। तो बिल्कुल हल्का ग्रीसिंग कर रहे हैं। ऑयल भी आप लगा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन घी से टेस्ट अच्छा आएगा। तो हल्का सा ग्रीस करने के बाद अब हम स्प्रेड करते हैं कुक किया हुआ आम का मिक्सचर। तो इस तरीके से थाली में हम स्प्रेड करेंगे। थोड़ा सा स्प्रेड करने के बाद अब इसे हम चारों ओर इस तरीके से थाली को रोटेट करते हुए स्प्रेड कर लेंगे। तो इस तरीके से एक थाली में मैंने स्प्रेड कर लिया है। हल्का सा टैप कर लेते हैं। इसे हम धूप में 1 से 1.5 दिन तक सूखने देते हैं या फिर आप पंखे की हवा में भी सूखने दे सकते हैं, लेकिन पंखे की हवा में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये देखिए आम पापड़ बिल्कुल अच्छे से सूख गए हैं। इसे मैंने 24 घंटे पंखे की हवा में सुखा दिया था और बहुत ही अच्छे से ड्राई हो गया है। तो अब इसे हम कट करते हैं। तो हम सबसे पहले इसे स्ट्रिप्स में कट करेंगे। तो इस तरीके से पहले नाइफ से हम कट कर लेते हैं। जब ये सेट हो जाता है तो बहुत ही ईजिली बाहर भी आ जाता है और कटिंग भी अच्छी होती है। तो सबसे पहले साइड से हम क्रैच कर लेते हैं और ये देखिए एक आम पापड़ कितने अच्छे से निकल गया है। मतलब ये छोटा स्ट्रिप है। अब हम बड़े स्ट्रिप्स भी ऐसे ही निकालते हैं। पहले साइड्स में इस तरीके से स्क्रैच कर लेंगे ताकि आसानी से बाहर आ जाए। और अब हम हाथों से इस तरीके से साइड्स को लूज कर लेते हैं। थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है और अगर आपने बहुत पतले आम पापड़ स्प्रेड किए हैं तो वो तो और भी जल्दी सूख जाता है, और थोड़े मोटे स्प्रेड किए हैं तो उसे सूखने में टाइम लगता है। और ये देखिए साइड को मैंने लूज किया और इस तरीके से हम आम पापड़ को निकाल लेंगे। बहुत ही ईजिली निकल जाता है क्योंकि ये अच्छे से सेट हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल भी प्रेशर नहीं अप्लाई कर रहे हैं, फटाफट से निकल गया है। तो इसी तरीके से पहले हम साइड्स को हल्का सा लूज कर लेते हैं और सभी आम पापड़ को ऐसे ही निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिप लिया है और इसे हम बीच से हाफ कर लेते हैं और एक स्ट्रिप को साइड रखते हैं और इसे अब हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। बहुत ही अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। ये देखिए बहुत ही अच्छे से फोल्ड हो रहा है और बिल्कुल मार्केट जैसे ही ये रोल्स बनते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी मीठा आम पापड़ बनके रेडी हो गया है और लग रहा है ना बिल्कुल बाजार जैसा। तो इसे आप घर में जरूर ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी रेसिपीज आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।